पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब पप्पू यादव को 32 साल पुराने किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 11 मई मंगलवार को पीएमसीएच के कोविड वार्ड में जाने के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। ये सरकार से पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं? गिरफ्तार करके ले जाना कि रुकिए ना सर, काम करने दीजिए ना। ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को। बड़े बतरे पटना में मंदिर स्थित आवास से पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन पर बगैर अनुमति घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी को लेकर बयान भी दिया है, जिसमें वे भाजपा और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एसपी न तो किसी एसपी और न ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ले अपना सीधा आरोप बीजेपी पे है। पप्पू जी आपका सीधा आरोप और जब मुझे जेल जब यहाँ डिटेन किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से दो आग्रह करेंगे। आपको आपको ठंडक पहुंच गई यदि नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी? जिस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं, आप पहले लॉकडाउन बोले और फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों हुई, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है, हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। पप्पू यादव भाजपा पर इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव ने सारण पहुंचकर अमनौर के जयप्रभा सामुदायिक केंद्र पर 30 से अधिक एम्बुलेंस रखने का मामला उठाया था। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ये एम्बुलेंस भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी के सांसद मद से खरीदी गई थी। घर से 22,000 रुपया लेता विकास विकास वीडियो बनाइएगा तुमको जरूरी गिरफ्तारी के पीछे का कारण मध्यपुर में 1989 में हुए अपहरण के एक मामले को बताया जा रहा है। ये मामला 32 साल पुराना है और अचानक एकदम से इस पर कार्रवाई हो गई। इसको लेकर सवाल सबके मन में है। ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस का मामला उठाया, इसी वजह से शायद उन पर कार्रवाई हुई। एम्बुलेंस के मुद्दे पर आज तक पर एक डिबेट भी देखने को मिली, जिसमें पप्पू यादव सरकार पर सवाल उठा रहे थे। एम्बुलेंस सिविल सर्जन के अंदर होगा, किसी ब्लॉक में किसी अस्पताल के पास होगा, पंचायतों के अस्पताल के पास होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के पास एम्बुलेंस नहीं हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट तीसरी बात एम्बुलेंस है नहीं, पहले सुनिए, बोलिए बोलिए। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। इसके जो पैसे 400, 600, 800 जो रुपया लिए गए, वो रुपया किसके जेब में गए, सरकार के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो किसी वर्कर को बेनिफिट पहुंचाएंगे? 3-4 क्या मुखिया जी का होगा? 7.5 सालों से ये एम्बुलेंस लगी थी। मैं चुनौती देता हूं एमबीआई से, किसी से आप जांच करा ले, 7.5 सालों से लगी हुई है। दूसरी चौथी चीज गलत, ये गडकरी साहब का जो देश के सबसे लोग अच्छे मंत्री हैं उनका फोटो है, ये वहां पर प्रशिक्षण केंद्र का एसकिल के द्वारा ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का खोले थे, वो बंद पड़ा हुआ है। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाद ड्राइवर नहीं है। पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा एम्बुलेंस लौटाए जाने के बाद उन्हें रखा गया था।
कोरोना महामारी के कारण लोग रिक्शा या ऑटो रिक्शा का सहारा लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ऐसे में एम्बुलेंस का खड़े रहना और किसी के काम ना आना, इसके बारे में भी जवाब सरकार को देना होगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को उठाने के बाद ही पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सरकार के खिलाफ उठाई जा रही आवाज़ को दबाने का मामला ये कोई पहला नहीं है। ऐसे मामले हमें रोज देखने को मिल ही जाते हैं। ट्विटर पर जिन पत्रकारों ने मोदी सरकार से सवाल किए, उनके ट्वीट्स को डिलीट करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन बेड्स की कमी की खबर देने वालों पर कार्रवाई की बात की है, जिसका जनता ही जवाब दे रही है। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। कोरोना की स्थिति में सरकार को अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की बजाय वोट देने वाले जनता के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि देश में स्थिति जल्द संभल जाए। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।